यंग जनरेशन भी आगे आ रही है, आप सबका इस्तकबाल है। विजा स्माइल इंटरनेशनल इज एन ऑस्ट्रेलियन बेस्ड कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने जम्मू में लॉन्च किया है फॉर द कन्वीनियंस ऑफ आवर स्टूडेंट, क्योंकि यूथ हमारा जो है उसके पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है एम्प्लॉयमेंट की और स्टडी की। हमारे यहाँ से जो बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए वो पैसा खर्च तो करते हैं मगर कोई श्योरिटी नहीं है कि वो वापस आके उनको जम्मू में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो वापस ही आना चाहते हैं। तो विजा स्माइल एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दे रहा है जहाँ पे बच्चे वहाँ पे अपनी डेस्टिनेशन में जो भी कंट्रीज़ हमने ओपन की हैं जिनके साथ हमारे टाइप्स हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, कनाडा है, सिंगापुर है, न्यूजीलैंड है, उन सब कंट्रीज़ में हम बच्चों को एजुकेशनल प्लेसमेंट्स भी देंगे और उनको जब वो वहाँ पहुँच जाएंगे तो हम उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी देंगे ताकि वो बच्चे वहाँ पे पढ़े और साथ में अपनी कमाई कर सकें और अपनी फ़ीस भर सकें। सो दिस इज़ वन यूनिक फीचर विद अस कि हम उनको पढ़ने के साथ साथ काम की भी अपॉर्चुनिटीज़ देंगे जिससे वो अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं। हमारे को सबसे ज़्यादा ये मिथ रहती है कि बाहर जाना जो है वो बाहर ओवरसीज़ पढ़ाई करना, एजुकेशन लेना बहुत खर्चा होता है और बहुत ज़्यादा पैसे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, मगर मैं चाहूँगी कि मैं अपने यूथ को ये अपॉर्चुनिटी दूँ, ये प्लेटफॉर्म दूँ कि वो इसको इजी एक्सेस मैंने बनाया है उनके लिए कि मतलब वो आराम से इस ओवरसीज़ एजुकेशन को टेकअप कर सकते हैं, क्योंकि हम उनको ईजी वे में उनकी पढ़ाई ख़त्म कर सकते हैं, ना कि उनको बहुत ढेर सारे पैसे खर्चने हैं। दूसरा ये हम एक यूनिक फीचर हमारे पास है कि आज तक जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल भी नहीं और बाकी मेट्रोपॉलिटन्स में भी ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं हैं जहाँ पे वो एजुकेशनल कंसल्टेंसी दें और साथ में आपको वीज़ा फैसिलिटीज़ भी दें। तो वी हैव ब्रॉट एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला कि बच्चों को दर दर नहीं भटना पड़ेगा। मतलब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब मैं अपने बच्चे की, अपने बेटे की एजुकेशन के लिए कंसल्टेंसीज दिल्ली में अप्रोच कर रही थी तो उस वक्त मैंने देखा कि वीज़ा के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ता था, एजुकेशनल कंसल्टेंसीज के लिए कहीं और जाना पड़ता था, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मुझे कहीं और जाना पड़ता था। तो मैंने उसी वक्त ये ठान लिया था कि मैं ऐसी फैसिलिटीज़ जम्मू के बच्चों के लिए जनरेट करूँ, क्रिएट करूँ तो बच्चों को इतना भटकना ना पड़े। सो विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव बीन एबल